2008 असम सीरियल बम विस्फोट मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के संस्थापक रंजन दैमारी समेत 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। चुनावी साल में पूर्ण बजट पेश करने की आशंकाओं को वित्त मंत्रालय ने खारिज किया, कहा सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा, अब तक 8 मौतें, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में हालात खराब। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल और बीजेपी के रिश्ते में खटास आई, तख्त और गुरुद्वारा मामले में दखलअंदाजी का आरोप। एमपी के सीएम कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, कहा जांच के बाद कार्रवाई होगी। यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखी, कहा दिल्ली में आंदोलन कर ईंट से ईंट बजा देंगे। केंद्र सरकार पर बेरोजगारी के आंकड़े छिपाने का आरोप, विरोध में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2 प्रमुख अफसरों पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी ने इस्तीफा दिया। और आम चुनाव 2019 के पहले देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने की आशंका, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा।